धान की फसल में अजोला का उपयोग बेहद कारगर होता है। हरी खाद के रूप में अजोला को अन्य उर्वरकों के साथ मिलाकर धान की फसल में डालने से रासायनिक उर्वरकों की खरीद पर होने वाली आधी रकम की बचत हो सकती है। जैसे 1 किलो प्रति वर्ग मीटर की दर से उर्वरक में अजोला मिलाकर डालने से तकरीबन 2,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की बचत होती है और अजोला का प्रयोग रोपनी के 1 सप्ताह बाद करने से धान की पैदावार अच्छी की जा सकती है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट बनाने में अजोला बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। वर्मी कंपोस्ट में उपयोग होने वाले गोबर में अजोला मिलाने से केचुआ का वजन और उसकी संख्या दोनों ही बढ़ जाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अजोला मिश्रित करने से वर्मी कंपोस्ट का पोषक मान और भी बढ़ जाता है। खाद के रूप में अजोला उत्पादन करने के लिए 8x5 फीट का गड्ढा बना लें। गड्ढे में प्लास्टिक बिछा दें। उसके बाद प्लास्टिक के ऊपर मिट्टी की एक सतह बनाएं। अब 4 से 5 किलो गोबर को 20 से 25 लीटर पानी में मिलाने के बाद इस घोल को बालू चालने वाली चलनी से छानकर गड्ढे में डाल दें। किसान भाइयों, साथ ही आप ये भी जान लें कि गड्ढे में गोबर का प्रयोग करने से अजोला में कीड़े लगने की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप कार्बाफ्यूरॉन 3G नामक दवा 2 से 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। गोबर का घोल डालने के बाद गड्ढे में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी की परत बना दें। अब ये गड्ढा अजोला उत्पादन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब आप इस गड्ढे में अजोला डाल सकते हैं। अब आपको पानी के ऊपर अजोला की जो हल्की परत तैरती नजर आ रही है उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें ताकि अजोला की जड़ें पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएं। 21 दिनों में ही आपकी क्यारी में अजोला की हरी हरी परत तैयार हो जाती है और 1 वर्ग फीट में लगभग 200 से 250 ग्राम अजोला प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, अजोला उत्पादन आप गड्ढे की बजाय सीमेंट की क्यारियां बनाकर भी कर सकते हैं। बरसात के मौसम में अधिक बारिश होने से अजोला के बह जाने का डर रहता है, इसलिए सीमेंट की बनी क्यारियों के मुंह पर जाली लगा दी जाती है या फिर गड्ढों में पुआल लगा दिया जाता है ताकि पानी के बहाव के साथ अजोला बाहर ना आ जाए।